अस्सलाम वालेकुम। वेव्स सिंगर के बारे में बात करेंगे। ये वेव्स का तकरीबन 5 साल का चार्ट प्राइस आ रहा है आपके सामने। 2017 के स्टार्ट में, जनवरी फरवरी के महीने में, ये 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, यानी 80 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अगर उसके बाद अगले 2 साल लगातार इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दी है, यानी अगले 2 साल में ये 20 रुपये तक पहुंच गया नीचे गिरते गिरते, तकरीबन 2019 के जून जुलाई में, यानी 2 से 2.5 साल में। उसकी वजह मार्केट में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, गिरावटें आई थी, यानी 2017 में जो 100 इंडेक्स है, सबको शायद पता हो जो लोग भी काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, 54,000 पे ट्रेड कर रहा था। तो इसी तरह वेव्स के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए थे। तो इसी तरह उसके बाद 2019 के जून जुलाई में वही KSE 100 इंडेक्स गलबन 20,000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर गया और 27,000 के लेवल पे ट्रेड करने लगा। 27 से 28,000 पे के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। इसी वजह से वेव्स सिंगल स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली। लेकिन फिर 2019 के बाद 5 से 6 महीने में अभी तेज़ी का ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ ही था कि मार्च 2020 में अच्छी खासी मार्केट तेज़ी की तरफ परफॉर्म कर रही थी, कि उसके बाद फिर से कोरोना एक नई चीज़ नमूदार हुई और मार्केटें फिर से क्रैश हो गई। और ये वेव्स भी 20 वाला 32 पे पहुंचा हुआ था, लेकिन दोबारा से बहुत बुरी तरह क्रैश होके 12 रुपये पे आ पहुंचा। और फिर पिछले 2 साल से इसका यही ट्रेंड चल रहा है। इसका जो लास्ट है वो 12 होता है, 12 से 13 रुपीस, और जो तेज़ी का जो है लेवल 32 से 33 रुपये। तो अब भी गालबन 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगले 6 महीने में इसमें कोई इतनी ज़्यादा गिरावट तो नहीं आएगी, 2 से 3 रुपए की गिरावट मतवक्की है। मैक्सिमम भी नीचे की तरफ गया तो 9 रुपए के लेवल को टच करेगा, लेकिन जो तेज़ी के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं इसके। दोबारा ये फिर से दोबारा 80 पे तो नहीं जा जाएगा अभी इतनी जल्दी, 50 पे भी नहीं जाएगा, लेकिन 32, 33, 35 और 40 ये लेवल जो है आसानी से अबूर कर जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, 5 से 6 महीने। अब ये नहीं है कि आज ये स्टॉक खरीदा है तो फ़ौरन चलना शुरू हो जाए। स्टॉक अपने ही टाइम के हिसाब से चलते हैं, और मार्केट में वैसे भी तेज़ी का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद ऐसा ऐसा ये दोबारा से वेव सिंगर भी अपना वो जो पहले वाला टारगेट है 32-33 वाला, ये इंशाल्लाह लाजमी अचीव करेगा। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ज़ाहिर है 1 महीने में तो 2 से 3 रुपए का ही इसमें अप्स एंड डाउन आती रहती हैं। हाँ बता, 6 माह, 1 साल, 2 साल, जिसका ये टाइम पीरियड है यानी लॉन्ग टर्म वाला, वो लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो गालबन कोई 6 माह पहले शायद एक वीडियो बनाई हो वेव सिंगर की, वो आपने जाके ज़रूर देखनी है, ताकि इस 6 माह में जो भी इसमें अपडेट्स आई हैं वो उस वीडियो को देख के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।